नमस्कार, आप देख रहे हैं ghamasan.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। आइए देखते हैं मोदी जी के पिटारे में किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। आइए देखते हैं कि किस मंत्री के खाते में कौन सा विभाग आया है, हमारी इस पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं राजनाथ सिंह की, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे क्रम पर है। राजनाथ सिंह को मिला है रक्षा मंत्री का प्रभार, जो भी अब तक निर्मला सीतारमण के पास था। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का दायित्व संभालेंगे और इसके बाद तीसरे नंबर पर है अमित शाह, जिन्हें गृह मंत्रालय दिया गया है। अमित शाह पहली बार मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं और उनके पास गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण दायित्व है और गृह मंत्रालय अमित शाह के कद के अनुसार ही उन्हें दिया गया है। अब बात करते हैं निर्मला सीतारमण की, जो अभी तक रक्षा मंत्री के पद पर थी और उन्हें अरुण जेटली वाला विभाग यानी सबसे महत्वपूर्ण विभाग वित्त मंत्रालय दिया गया है। सोचने वाली बात यह है कि पहले भी अरुण जेटली के पास वित्त मंत्रालय था, लेकिन वे थे कानून के जानकार और अब निर्मला सीतारमण का भी अर्थशास्त्र से बहुत अधिक नाता नहीं रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन्हें वित्त मंत्रालय का प्रभार सौंपा है। इसी तरह से पीयूष गोयल पहले भी रेल मंत्रालय संभाल चुके हैं और अब फिर से रेल मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। भाजपा के बड़े नेता के रूप में जाने जाने वाले नितिन गडकरी के पास परिवहन विभाग ही है, पिछली बार भी उनके पास यही मंत्रालय था। विदेश मंत्री के रूप में एस जयशंकर को चुना गया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला विभाग तो स्मृति ईरानी का है, जिन्हें महिला तथा बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। रविशंकर प्रसाद को उनकी पसंद का विधि मंत्रालय मिला है, क्योंकि वे जाने माने एडवोकेट भी हैं। भाजपा के प्रवक्ता तथा जाने माने नेता प्रकाश जावड़ेकर अब सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का प्रभार संभालेंगे। अभी तक ये विभाग राज्यवर्धन सिंह राठौर के पास था, लेकिन इस बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है। रमेश पोखरियाल को शिक्षा मंत्री बनाया गया है, जो भी संस्कृति विभाग से संबंधित है। डॉक्टर हर्षवर्धन अपनी पसंद के स्वास्थ्य विभाग में ही भेजे गए हैं और धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम विभाग मिला है। नरेंद्र मोदी के परम सहयोगी रहे महेंद्र नाथ पांडे को प्रधानमंत्री कौशल विकास विभाग दिया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार मिला है। पंजाब की जानी मानी नेता हरसिमरत कौर को फूड प्रोसेसिंग विभाग दिया गया है, जबकि रामविलास पासवान खाद्य मंत्री का दायित्व संभालेंगे। रामविलास पासवान पहले भी उपभोक्ता मंत्रालय में रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री के रूप में कार्य करेंगे। प्रखर नेता गिरिराज सिंह को पशुपालन विभाग दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्रालय, सदानंद गोड़ बने हैं उर्वरक मंत्री और किरण को इस बार खेल मंत्री बनाया गया है। मध्य प्रदेश के ही प्रहलाद पटेल पर्यावरण मंत्री के रूप में गंगा की सफाई का कार्य भी देखेंगे। इसके पहले ये विभाग उमा भारती के पास ही रहा। इसी तरह आर के पटेल ऊर्जा मंत्री रहेंगे और संतोष गंगवार को श्रम विभाग दिया गया है। अश्विनी चौबे स्वास्थ्य राज्य मंत्री और हरदीप सिंह पुरी हाउसिंग मिनिस्टर का कार्य देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभाग अपने पास रखे हैं, जो पिछले कार्यकाल में उनके पास थे, जिसमें कार्मिक मंत्रालय सबसे महत्वपूर्ण है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.